हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम रजत टोकस के एक नए लुक के बारे में। दोस्तों, रजत टोकस की हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें उनका लुक एकदम अलग नजर आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, वे एकदम वृद्ध व्यक्ति के रोल में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रजत टोकस के काफी सारे फैंस हैं और वह फैंस उनके हिस्टोरिकल सीरियल्स और उनके अलग अलग लुक्स के कारण ही है। दोस्तों, जैसे कि जोधा अकबर सीरियल में उन्होंने एक मुगल बादशाह का किरदार निभाया और सबके दिल में एक छाप छोड़ गए। और आज भी जब भी अकबर का नाम लेते हैं, कोई भी अकबर के ऊपर सीरियल बनता भी है, तो हम सोचते हैं कि उसमें रजत टोकस ही आने चाहिए। या फिर चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल की बात करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल में एक चक्रवर्ती सम्राट का रोल इस प्रकार निभाया कि कोई भी चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर सीरियल बनता है स्टोरी लाइन के ऊपर, तो हम रजत टोकस को देखना ही नंबर वन पसंद होती है हम सभी की। दोस्तों, रजत टोकस अपने अलग अलग लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसे कि दोस्तों, नागिन सीरियल में फिलहाल वे एक नाग का किरदार निभा रहे हैं, एक विक्रांत उनका नाम है पात्र का। और दोस्तों, उससे पहले ही भी नागिन सीरियल में ही पिछले पार्ट में वह नेवले का किरदार निभाए थे और उसमें भी काफी ज्यादा लोगों को पसंद आए थे। दोस्तों, रजत टोकस का ये लुक्स के साथ अगला एक्सपेरिमेंट हमेशा चलता ही रहता है और उनके सभी लुक्स लोगों उनके फैंस को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। दोस्तों, ये उनका जो नया लुक है, ये वृद्ध व्यक्ति वाला जो आप तस्वीर में अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, दोस्तों ये लुक उनका नागिन सीरियल के लिए हो सकता है, क्योंकि फिलहाल वे नागिन 3 में ही काम कर रहे हैं और वे एक नाग का रोल निभा रहे हैं, इसलिए उनके अलग अलग लुक्स हमें सीरियल में भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों फिलहाल वे नागिन 3 में काम कर रहे हैं, इसलिए ये लुक शायद तक उनका नागिन 3 के लिए ही है। अब ये लुक किस प्रकार से काम लिया जाता है नागिन 3 की स्टोरी लाइन में, ये तो हमें सीरियल देख के ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपको रजत टोकस का कौन सा लुक सबसे ज्यादा पसंद है, और ये वाला लुक जो नया रिलीज हुआ है, आपको कैसा लगा? दोस्तों, कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूंगा। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।